भारत अपने इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। करीब करीब देश की आधी आबादी या कहें तो करीब 60 करोड़ लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। हर साल 2 लाख के करीब लोग सिर्फ इसलिए जान गंवा देते हैं कि उन्हें पीने का साफ पानी मुहैया नहीं होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि अगर वक्त रहते इस समस्या से ना निपटा गया तो देश में जल संकट आगे और गंभीर भी होने जा रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध जल वितरण की दोगुनी हो जाएगी। मतलब साफ है कि करोड़ों लोगों के लिए पानी का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। इस संकट के कारण देश की जीडीपी पर भी असर पड़ेगा। अलग अलग आंकड़ों के मुताबिक 70% प्रदूषित पानी के साथ भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में 120वें पायदान पर है। पानी संकट में गहराती समस्या से निपटने के लिए ही मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। भारत में पानी एक बड़ी समस्या है। देश का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो पानी की समस्या से नहीं जूझ रहा हो। जल शक्ति मंत्रालय को इससे निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जल संसाधन क्षेत्र में नीति निर्माण, समन्वय और मार्गदर्शन का जिम्मा जल शक्ति मंत्रालय के पास होगा। इसके अलावा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी मार्गदर्शन भी मंत्रालय करेगा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संचालन, उसकी निगरानी और सिंचाई प्रबंधन को बढ़ावा देना भी जल शक्ति मंत्रालय का मुख्य काम है। भूजल संसाधनों के विकास के लिए कार्य योजना बनाना, अंतर्राज्यीय नदियों के विवादों को सुलझाना, मध्यस्थता करना भी इसका प्रमुख काम होगा। अंतर्राज्यीय नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क का संचालन करना, नदियों के पानी का समुचित उपयोग और जल संरक्षण की दिशा में भी जल शक्ति मंत्रालय काम करेगा। 2016 से 2017 में गुजरात को जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के मामले में पहला स्थान मिला। वहीं इस लिस्ट में गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर आता है। झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जल प्रबंधन के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक पानी खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। इस किल्लत का सामना सबसे ज्यादा दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के लोगों को करना पड़ेगा। यही कारण है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण की दिशा में सरकार के साथ साथ आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट।